हेलो हाय गाइस, हाउ आर यू? आई एम नीरज तिवारी, वेलकम्स टू टू लिसनर्स व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स। गाइस, टेंथ पास के लिए बढ़िया मौका है, ध्यान रखना है। वैकेंसी भी 25,000 से अबव ही है, 25,271 पदों पे है, 25,271 पदों पे है। एसएससी जीडी की वैकेंसी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, ध्यान रखना है। हाई स्कूल पास बंदे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 18 से 23 साल उनकी अगर एज है और फाइनली वो हाई स्कूल पास हैं तो ये फॉर्म भर सकते हैं। और एक ही पेपर होना है, ध्यान रखना है, एक ही पेपर होना है। एसएससी के थ्रू एक वैकेंसी होती है, तो एसएससी में जीएस, जीए, रीजनिंग और मैथ्स पूछे जाते हैं, साथ ही साथ हिंदी या इंग्लिश में से एक कोई प्रश्न आपको सॉल्व करना रहता है। 25 प्रश्न होते हैं। सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है और उसे आप पार्टिसिपेट करना है। कटआउट भी बहुत अच्छी जाती है, आराम से आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मौका बढ़िया है, वैकेंसी बढ़ने की चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि 25,271 पद है, ये फाइनली जाके 30,000-35,000 पे कंप्लीट होने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं। कुछ लोग अभी भी फॉर्म सबमिट नहीं कर रहे हैं तो उन्हें बता दें, एसएससी की वेबसाइट लास्ट में बहुत ज़्यादा बिजी हो जाती है, इसलिए उन्हें अभी भी मौका है, ध्यान दें और इसमें पार्टिसिपेट करें। एज लिमिट 18 से 23 साल मांगी गई है, जिसमें 1 अगस्त को फाइनली काउंट किया जाएगा 18 साल। 1 अगस्त को काउंट किया जाएगा 18 साल, ठीक है। 1 अगस्त 2021 को काउंटिंग की जा रही है ईयर वाली, ठीक है। तो 18 से 23 वालों के लिए मौका है। एसएससी जीडी में, बीएसएफ में, सीएसएफ में, एसएसबी, आईटीबीपी, एनआईए, एसएसएफ, असम राइफल, एआर, सभी में बढ़िया मौका है 2021 के लिए, ध्यान रखना है। वैकेंसी बहुत ही अच्छी है, पार्टिसिपेट करें। फीस भी बहुत ज़्यादा नहीं है, 100 रुपये रखी गई है जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए, जबकि ऑल फीमेल कैंडिडेट्स 0 रुपये देना है। एससी एसटी के लिए भी 0 डाउन पेमेंट ही फीस रखी गई है। किसी भी माध्यम में आप फीस पे कर सकते हैं, जैसे नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर कोई अदर ई चालान के माध्यम से आप काम कंप्लीट कर सकते हैं फाइनली फी सबमिट करने के लिए। तो फी सबमिट करना है जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए, बाकी सभी फीमेल कैंडिडेट्स 0 डाउन पेमेंट है। एससी एसटी भाइयों के लिए भी 0 डाउन पेमेंट्स है। एप्लीकेशन बिगिन हो गया है 17 तारीख से ही, 17 जुलाई 2021 से एप्लीकेशन बिगिन है। अभी साइट बहुत ही स्लोली चल रही है, बहुत ही अच्छी चल रही है, अभी भी अपना फॉर्म सबमिट कर लें, बहुत ही अच्छा मौका है। लास्ट डेट रखा गया है 31/8 यानी 31 अगस्त 2021 को मौका दिया गया है लास्ट डेट के लिए एप्लीकेशन के लिए, ठीक है। और फाइनली फीस सबमिट करने के लिए 2/9/2021 रखा गया है, यानी 2 सितंबर को रखा गया है फी सबमिट करने की लास्ट डेट। बढ़िया मौका है, फॉर्म ज़्यादा पड़ेगा लेकिन घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें पेपर भी होता है और पेपर में बहुत कम लोग पार्टिसिपेट कर पाते हैं क्योंकि 25 का होता है। 25 में आता है रीजनिंग, 25 में आता है मैथ्स, 25 में आता है हिंदी या इंग्लिश, हिंदी या इंग्लिश, और 25 आता है जीके जीएस, ठीक है। तो जीके और जीएस आता है, सिलेबस थोड़ा सा बड़ा है लेकिन बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। 25 क्वेश्चंस आते हैं, उसमें से आप बढ़िया मौका निकाल सकते हैं और ठीक ठाक नंबर ला सकते हैं। कट ऑफ कोई बहुत हाई जाने वाली नहीं है, अगर आप प्रैक्टिस डेली बेसिस पे करते रहेंगे चैनल के साथ तो आराम से आपका फाइनली सिलेक्शन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एग्ज़ाम डेट अभी कुछ कंप्लीट नहीं है, सीबीटी टाइप का टेस्ट होगा यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, तो इसलिए अभी एग्ज़ाम डेट कंफर्म नहीं बताया गया है। एग्ज़ाम बहुत जल्द ही आपके बीच होने वाला है, इसकी नोटिफिकेशन बहुत जल्द आपके बीच आ जाएगी। एडमिट कार्ड भी अभी नहीं बताया गया है। अगर हम लोग बात करते हैं एज लिमिट की, 1/8/2021 फाइनली काउंटिंग डेट बताई गई है, तो 18 से स्टार्टिंग है, 18 से 23 साल के लिए एज काउंट की जाएगी। एज रिलैक्सेशन भी है, एक्स्ट्रा पर रूल जो है एसएससी जीडी कांस्टेबल का, उसके थ्रू कुछ लोग एज रिलैक्सेशन में भी बेनिफिट पाएंगे। अगर बात करते हैं टोटल वैकेंसी की, तो टोटल वैकेंसी 25,271 पद है, जिसमें महिलाओं की संख्या भी निर्धारित कर दी गई है। पहले से ही बताया गया है कि 22,424 पोस्टों पर मेल कैंडिडेट्स को सबमिट किया जाएगा, जबकि 2847 पद ऐसे हैं जिसमें फीमेल को पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाएगा। फाइनली इन्हीं के लिए है 2847 पद, ठीक। अगर बात करते हैं वैकेंसी की, टोटल कैटेगराइज की, तो उसमें बताया गया है पोस्ट एसएससी जीडी कांस्टेबल जनरल ड्यूटी जीडी, ठीक है। इसमें बीएसएफ में मौका है, बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, 7,545 पोस्ट हैं, ठीक है। नेपाल वाले पे यही सीमा लगती है, बीएसएफ ही लगाई जाती है। सीआईएसएफ की बात करते हैं, सबसे ज़्यादा पोस्ट सीआईएसएफ में ही है, 8,464 पद सीआईएसएफ में है। सीआरपीएफ में 0 पोस्टें रखी गई हैं। एसएसबी में बढ़िया मौका है, 3806 पोस्टें एसएसबी में हैं। आईटीबीपी में 1431 पद है, 1431 पद है आईटीबीपी में। एआर में भी 3785 पद है,
NIA में 0 पोस्टें दिखा रहा है, जबकि SSF में 240 पदों पर यह विज्ञप्ति निकली है। अभी भी मौका है, 25,271 पद कम नहीं होता है, 25,271 पद बहुत ही बढ़िया मौका है। आराम से आप फॉर्म को सबमिट करें, थोड़ी सी तैयारी ध्यान देते रहें, करंट अफेयर्स को पढ़ते रहें, रीजनिंग को थोड़ा समझते रहें, डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करते रहें और GS GK की प्रैक्टिस करते रहें, फाइनली सिलेक्शन आपका हो ही जाएगा। मौका बढ़िया है, 6 से 7 महीने इसमें टाइम आपको मिल जाते हैं। तो अभी अगर आपने फॉर्म सबमिट नहीं किया है तो प्लीज़ फॉर्म को सबमिट कर दीजिए। अगर टोटल वैकेंसी देखनी है डिटेल्स में कि OBC की कोटे में कितनी गई है, SC के लिए कितना गया है, अनरिजर्व के लिए कितना गया है, EWS के लिए कितना गया है, ST के लिए कितना गया है, फीमेल्स के लिए कितना गया है, तो उसकी पूरी लिस्ट दी गई है। इसे आप डाउनलोड कर लें, इसे आप रख लें, ठीक है। फाइनली पूरी लिस्ट बना के रखी गई है। और अगर बात करते हैं फिजिकल एलिजिबिलिटी की, तो मैंने पहले ही बताया था आपको 5 किलोमीटर की दौड़ 24 मिनट में निकालनी है। अगर आप मेल कैंडिडेट्स हैं जिसमें से OBC SC ST या फिर किसी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अगर मेल हैं तो आपको 5 किलोमीटर की दौड़ 24 मिनट में निकालनी ही है। अगर चेस्ट की बात करते हैं, 80 से 85 सेंटीमीटर रखा गया है मेल में OBC जनरल और SC के लिए, जबकि ST के लिए मेल में रखा गया है 76 से 80, ठीक है, चेस्ट की लंबाई। हाइट की अगर बात करते हैं, 170 सेंटीमीटर रखा गया है मेल में जनरल OBC और SC के लिए, जबकि ST के लिए छूट दी गई है 5 सेंटीमीटर और घटा के 165 सेंटीमीटर की चेस्ट की बात की गई, 165 सेंटीमीटर हाइट की बात की गई है, चेस्ट के लिए तो 76 सेंटीमीटर है। अगर बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट्स में, तो जनरल OBC SC के लिए 157 सेंटीमीटर की हाइट रखी गई है, चेस्ट इसमें होता नहीं है, ठीक है। और इसमें जो रेस रखी गई है, रनिंग रखी गई है, 1600 मीटर की रेस है, 5.5-8 मिनट आपको टाइम मिल रहा है, बढ़िया से आप निकाल सकते हैं, कोई बहुत ज़्यादा दुविधा की बात नहीं है। अगर फीमेल में ST की बात करते हैं, तो ST के लिए 155 सेंटीमीटर की हाइट रखी गई है, चेस्ट यहाँ भी बिल्कुल नहीं है, और 1600 मीटर की दौड़ होती है, 8.5 मिनट यहाँ भी टाइम मिलता है। कैसे आपको फॉर्म सबमिट करना है, सरकारी रिजल्ट खोलना है आराम से, उसमें आपको फाइनली नीचे लिंक पे आना है और सबसे लास्ट में एप्लीकेशन बिगेन स्टार्ट हुआ है, ठीक है, अप्लाई ऑनलाइन क्लिक करना है। या आप नहीं जान पाते फॉर्म कैसे सबमिट करना है, तो हाउ टू फिल फॉर्म हिंदी में वीडियो है, आराम से आप देख लें। फाइनली आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप बताया गया है, उसी को फॉलो करें, आराम से सबमिट हो जाएगा। अगर आप फिर भी संकोच कर रहे हैं, तो आपने पास में कहीं साइबर कैफ़े पर जाके फॉर्म सबमिट करवा दीजिए। हालांकि फॉर्म में रिकरेक्शन की एक डेट आती है, लेकिन अपनी तरफ से आप कोई गलती ना करें, क्योंकि भविष्य के साथ खिलवाड़ करना आसान नहीं होता है। मौका बहुत ही बढ़िया है, 25,271 पद हैं, 25,271 पद हैं, वैकेंसी ये 30,000 प्लस होने वाली है, ध्यान रखना है। तो अभी भी जो लोग फॉर्म नहीं भरना चाहते हैं या नहीं अवेयर हुए हैं, वो लोग ध्यान दें, मौका बहुत ही बढ़िया है, 30,000 पदों पे वैकेंसी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, हल्के में ना लें, बहुत अच्छे से फॉर्म भरें और फाइनली अपनी तैयारी में धार दें। मिलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में, तब तक के लिए जय हिंद।